मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की डे आपको बताऊंगा कि आप भी बब टारंगोलम मॉड अपने माइनक्राफ्ट प्रोग्रेशन के लिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी अपने विलेज की और अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए बार बार एक आयरन गोलम को बना बना कर बोर हो गए, या तो आपको मार देता या फिर अपने घर से दूर भाग जाता, तो आप भी सोचेंगे कि अगर हमारे पास बब डायरंग गोलम होता जिससे कि हमारे घर को और हमारे गांव को पूरी प्रोटेक्शन मिलती और हम उस पर राइड करके इधर उधर घूम भी सकते, कितना मजा आता। तो गाइस अगर आपको भी बब डायरंग गोलम मोड अपने माइंड का प्रोग्रेशन के लिए डाउन करना है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। ऐसे सब वीडियोज ऐसे सब मॉड्स यहाँ आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल में जाके चेक भी कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप इसको डाउन करने जाए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो को पूरा एंड करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप उसको प्रॉपर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपका माइंड का भी वर्क नहीं करेगा। और अभी बोलो भाई वीडियो फेक थी, तो गाइस जो लिंक से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया और जो लिंक एक नहीं है दो लिंक है, तो मैं उनको रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक के नाम से डिवाइड कर दिया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और जो लिंक है अपने मीडिया एफ आई आर की, आपको तो पता ही होगा कि मीडिया एफ आई आर की लिंक इतनी अच्छी थी बिना झंझट के हम हमारी फाइल वहाँ पर बड़ी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए मीडिया एफ आई आर की लिंक लाता था, तो बस एक बार सब्सक्राइब करें आपको मीडिया एफ आई आर की लिंक मिलती रहेगी। तो लिंक तो मीडिया एफ आई आर की, तो आपको डाउन करना, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को पूरा एंड रहना ताकि उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओ और क्या माइंड का हम एकदम अच्छे से वर्क करें और आप भी बफ डायरंग गोलम का एकदम अच्छे से मजा ले पाओ। तो गाइस आफ्टर डाउनलोडिंग आपको जो नहीं करना, जो फाइल्स है सिंपली उनके ऊपर बारी बारी करके क्लिक कर देना है, आपका माइंड का डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा टाइम वहाँ का लफड़ा पड़े, तो मैंने उसमें वीडियो बना रखी हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाके देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ, मतलब आपको माइनक्राफ्ट को खोल लेना, उसके बाद जो मैं करूँगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करोगे थोड़ी लोडिंग होगी और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपको आ जाना है ग्लोबल सर्वर में और माय पैक्स में देखते हैं बब आयरन लिखा गोलम तो आगे डॉट डॉट लिखा, तो उसको कर दीजिए एक्टिवेट और कर दीजिए बैक, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लोडिंग सोर्स पैक्स। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी हमको एक यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट कर देनी है, तो मेरे पास तो कोई वर्ल्ड ही नहीं है, नहीं तो आप मेरे किसी सर्वाइवर वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। और मेक श्योर बैकअप बनाना मत भूलना क्योंकि जो मॉड है थोड़ा खतरनाक है, तो बैकअप हमेशा बनाना चाहिए अगर आप किसी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हो। पर हम बस कोई वर्ल्ड इन जल्दी हम कर लेते क्रिएट और सर्वाइवल के लिए बेस्ट में आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों, पहले तो हम उसको रिसोर्स पैक में आकर उसको एक्टिवेट कर देते हैं। बिहेवियर में भी सेम पर उसको एक्टिवेट कर दीजिए, यहाँ बोलेगा टर्न ऑफ अचीवमेंट, इसको कर दीजिए कंटिन्यू, कर दीजिए क्रिएट, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लोडिंग सोर्स पैक। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी वर्ल्ड की लोडिंग भी आ जाएगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बब डायरंग गोलम है, सीधी सी बात है आपको ऐसा नॉर्मल तो मिलेगा नहीं, या तो आपको उसको बनाना पड़ेगा किसी तरह या फिर नॉर्मल आयरन गोलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ हमको सामान लेंगे जो हमको मिलेंगे क्राफ्टिंग टेबल से, इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कि क्रिएटिव से मिलेगा, क्राफ्ट भी कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, इसलिए सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। और जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आज का जनरेटिंग वर्ल्ड कब का ही आ गया था, मैं खुद ही लेट कह रहा हूँ, और यहाँ पर हमें जो आधी से ज़्यादा वर्ल्ड की लोडिंग है कंप्लीट हो चुकी है, आधी ज़्यादा क्या पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी देर में ये भी लिखा हुआ आ जाएगा लोडिंग, और जो हमारी वर्ल्ड है यहाँ पे थोड़ी देर में खुल जाएगी, मैं आपको उसका डेमो ट्रायल वगैरह सब कुछ कहो सब कुछ दिखा दूँगा, पूरा मॉड एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ चुका था जनरेटिंग वर्ल्ड, और हमारी वर्ल्ड जो है यहाँ पे सक्सेसफुली खुल चुकी है, और आसपास कुछ दिखाने लायक है नहीं क्योंकि सीट तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, मेरे को बहुत समय दिखाई आपको सीट्स। और जल्दी से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे क्या क्या करना है, तो जल्दी से पहले मैं कुछ इनकी क्राफ्टिंग रेसिपीज दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको देखो आयरन सोल वगैरह, ये री सैडल आयरन गोलम की, और यार पॉपी बफ, ये सब आपको मिलेंगे सर्वाइवल में, सीधी सी बात है। पर मैं आपको दिखा दूँ कि आप इनको क्राफ्ट कैसे कर सकते हो, तो पहले मैं जल्दी से कर लेता हूँ गेम मोड ऐसे, यानी कि क्राफ्टिंग ऐसे भी तो अवेलेबल है सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू के लिख देता हूँ गेम के आगे, तो गेम और मोड एस, तो यानी कि सर्वाइवल में आ चुका हूँ। और जल्दी से आपको उनकी क्राफ्टिंग ऐसे पीस दिखा देता हूँ, और मेरी हार्ट ज़्यादा बड़ी हुई है पता नहीं क्यों। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे आपको लगेगी आयरन सोल जो कि आपको मिलेगी एक बनाए हुए आयरन गोलम को मार कर, तो जल्दी से हम कर लेते हैं गेम मोड सी में, और यहाँ पे हम आयरन गोलम को बना के ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एक आयरन का ये वाला पूरा एक आयरन चाहिए, और हाँ रुको रुको रुको, आयरन के साथ हमको वो भी चाहिए, तो ये वाला ये रहा हमारा बफ आयरन गोलम, और इसके सैडल वगैरह भी ले लेंगे। तो अब हम कुछ एक कार्ड पंपकिन, और इसके साथ हमको एक चाहिए स्वॉर्ड जिस पे हमको लगानी है प्रोटेक्शन तो आर्मर पर लगती है, शार्पनेस 4 लगानी है, तो ऐसे 4 पीस शार्पनेस 4 नहीं 5 होती है। और एनविल चाहिए हमको उसके साथ साथ, और चाहिए हमको स्ट्रेंथ के पोशन, तो एनविल वेरी डैमेज्ड एनविल लेंगे, और स्ट्रेंथ के भी पोशन चाहिए हमको यार, हाँ तो हम तो लेंगे एकदम बच्चा वाला स्ट्रेंथ का ये वाला, और हमको आयरन गोलम को देंगे हम छोटा सा फालतू का
ये कौन सा दे देते हैं, चलो ये वाला देते हैं, स्ट्रेंथ वन वाला। चलो हमारा गाइस काम जो बन है जो बन चुका है, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि आयरन सोल मिलेगी कैसे। पहले एक काम करते हैं, ये लगा लेते हैं हमारे एनविल पर। और गाइस आपको मारना जरूरी नहीं, तो बिना मारे वो आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। सीधी बात है, आपका फ्रेंड तभी बना पाओगे जब आप उसको एक बार डिफीट करोगे। तो मैंने उसको बना लिया, चलो जल्दी इसको मार देते हैं। और शार्पनेस 5 है तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। देखो हमको मिल चुका है एक, यहाँ पे मिला हमको ये एक आयरन सोल, तो इससे आप बना सकते हो। तो ये पॉपी वगैरह जो भी है, यहाँ पे हम सुमन कर लेते हैं एक आयरन गोलम, जिसको हम बनाएंगे बफ्ड आयरन गोलम। यहाँ पे आपको चाहिए एक आयरन गोलम जो कि आपको नॉर्मल एक विलेज में मिल जाएगा, या तो बना भी सकते हो। मैंने बना के ट्राई नहीं करा, तो इसको आपके ऊपर फेंक, इसके ऊपर आपको फेंकना है स्ट्रेंथ का पोशन। और देखो आपको ये फूल दिखा देना है, देखो बफ का ऑप्शन आ गया है, और थोड़ी देर में ये बफ्ड आयरन गोलम बन जाएगा। उसकी जो HP है ना गाइस 1000 ऊपर, उससे समझ सकते हैं कि हमारे विदर को भी मार सकता है, तो क्योंकि विदर की भी कुछ थोड़ी ज़्यादा ही। और देखते ये बन चुका है बफ्ड आयरन गोलम। तो अगर जैसे आप इसको मारोगे सर्वाइवल में, आपको ही मारने लगेगा, और उसके जो अटैक्स है बहुत खतरनाक है। मैं अभी सर्वाइवल में एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से अपने को एक ही बार में मार देगा, इसलिए चलो दिखा देता हूँ यार एक बार। तो मैंने यहाँ पर गेम मोड S, और ये मेरे को लगता है अभी मारेगा नहीं। जब हम इसको मतलब ये एक न्यूट्रल मॉब है, तो मैं अगर मैंने इसको मार, देखो मेरे को चढ़ा दिया इसने स्लोनेस, और इसने मेरे को मार ही देगा लगे। हाँ तो मेरे को लगता है ये मार देगा मेरे को, और मेरे को वापस से रिस्पॉन होना पड़ेगा। देखो 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 कैसे अटैक्स कर रहा है गाइस, जल्दी से हम कर लेते गेम मोड सी। और ये ब्लॉक्स भी फेंकता है यहाँ पे, तो मैंने जल्दी से कर लिया था गेम मोड सी में। और हमें पियेंगे स्ट्रेंथ 2 का पोशन, और उसको जल्दी धमेड़ देते हैं। ये क्रिएटिव में भी मार रहा है, मेरे को लगा क्रिएटिव मारेगा। तो देखो स्ट्रेंथ 2 का पोशन ला के शार्पनेस 5 से मार रहा हूँ, फिर भी इतनी फास्ट नहीं जा रही। नहीं तो अब तक तो विदर तो निपट ही आता, सीधी सी बात है, विदर या एंडर ड्रैगन, पर इसकी नहीं जा रही इतनी फास्ट हेल्थ। नहीं तो समझ जाइए इसकी HP बहुत ज़्यादा, और सर्वाइवल में मारने में आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। और जब मैं इसको ट्राई कर रहा था मोड को, तब इसने मेरा आर्मर ही तोड़ दिए थे नेदरराइट के। मतलब क्लियर तो क्रिएटिव से था, पर इसने मार दिया, पर बहुत ही जल्दी ये मरने वाला। और मैं मारा था नॉर्मल नेदरराइट के स्वॉर्ड से। तो गाइस जो मैंने करा इसको स्ट्रेंथ का पोशन वगैरह दिया, वो आपको जोर से जोर देना पड़ेगा, नहीं तो ये बफ आयरन गोलम नहीं बनेगा। तो जल्दी से ये बन जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इसकी हेल्थ लगभग खत्म ही हो चुकी है, और बस ये बन चुका होता है, और ये हमको फूल दिखाने लग गया। तो आपको उसको कर लेना एक्सेप्ट, और उसको फूल को वापस दे देना, देख देते हैं टेम। और ये हमारा दोस्त बन चुका, अभी आपके पीछे पीछे भी आएगा। तो जल्दी से उस पर सैडल वगैरह डाल देते जो कि हमको यहीं पर मिले थे, दिखे थे। हाँ तो ये रहा हमारा सैडल, और इसका एक आर्मर भी रहता है। तो जल्दी से हम यहाँ पे इसका एक आयरन लिख देते, तो यहाँ पर हमारा इसका जो आर्मर है वो भी मिल जाएगा, और इसकी जो लुक है एकदम ही खतरनाक हो जाएगी। तो ये रहा हमारा वो वाला आर्मर, पर हम तो अरे यार सैडल हटा दिया मैंने, तो ये कहीं नहीं, ये वाला भी सैडल ले लेते, वापस से कहाँ गया भाई। हाँ तो ये रहा, चलो जल्दी से हम इस पर राइड कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपने सोचा इतनी मेहनत से इसको वो हमने इसकी हेल्थ वगैरह मतलब टेम करा है, तो उसको हम वापस इसकी हेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कहीं नहीं आपको देखो मैंने इसको मारा और फीड का ऑप्शन आ गया, तो उसको मैंने फीड कर दिया, और इसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा भर आ चुकी है, देखो फुल हो चुकी है। पर इसकी हेल्थ ना जब जितनी शुरू में थी उससे बहुत कम हो गई है, पर कहीं नहीं आप इस पर आर्मर लगा दे, तो इसको देखो इसकी देखो लुक कैसी हो गई है। यहाँ पे हमारे बैठने के लिए हो चुका है, जिसके ऊपर हम यहाँ से राइड करते हैं, उसके चलने वलने की सब कुछ एनिमेशन जो है बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे एक मैं हैन को मारता हूँ, यानी कि अपने उसको देखो उसके ऊपर ब्लॉक्स फेंक रहा है आयरन के, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसको वो भग जा रही है पता नहीं, हाँ देखो मार दिया। तो ऐसे आप एक काम करते हैं, हम रेवेजर को स्पॉन करते हैं, उसको भी मारेगा ये, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सुमन आयरन गोलम का रेवेजर करना ना हमको, तो मैंने रेवेजर को स्पॉन कर लिया, ये खुद ही मारने लग जाएगा, अपने को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीरीज बात है रेवेजर और आयरन गोलम दोस्त नहीं, ये बहुत बड़े दुश्मन। देखो ग्राउंड अटैक ने कौन कौन सा अटैक से नहीं मार रहा, वो उसको छू भी नहीं पा रहा है, तो कहीं नहीं छू भी दे हम इसको फीड कर देंगे। और गाइस देखते हैं इसका जो हेल्थ है वापस बढ़ चुकी है। और आयरन गोलम अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।